हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुचर रिकॉर्डिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज वीडियो में हम लिख के आए कि जो आप बल्क इनवॉइस जनरेट में जाके आप इनवॉइस जनरेट करते हो, ठीक है, और इनवॉइस जनरेट होता नहीं कोई कारण से, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को कमेंट में ऑप्शन आता था कि इनवॉइस क्यों जनरेट नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मो मित्रों कटआउट करने मत देखना, पूरा का पूरा वीडियो देखिए तो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैं आपको शुरू शुरू कर रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मित्रों मेरे यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, HDMS सर्विस प्रोवाइडर। ओके, और सर्च कीजिए और यहाँ पर लिखा होगा HTML एंड अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर पर क्लिक कीजिए और लाल वाले बटन जो सब पर लिखा हुआ वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप सेल्स ऑर्डर में चले जाइए, मैं आपको एक केसेस यहाँ पर दिखाता हूँ। और बल्क जनरेट इनवॉइस आप जब भी जनरेट करते हो और कुछ एरर आता है, तो कौन सी एरर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वो सर्च कर देता हूँ। देखिए ये रिकॉर्ड है बल्क जनरेट में, ठीक है, और इनवॉइस सच में आपको लाना है पर कुछ एरर आ रहा है। मैं आपको यही दिखाता हूँ। मैं देखिए इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ पर लेकिन जनरेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जनरल इनवॉइस, देखिए ऑर्डर सबमिट प्रोसेस प्लीज चेक यू एरर। ओके ओके, आप ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी तक इनवॉइस में आया नहीं होगा, जनरेट में पड़ा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर एंटर कीजिए। देखिए ये अभी बल्क जनरेट इनवॉइस में है। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए डिलीवरी बॉय और सर्विस एरिया कुछ डाला हुआ नहीं है, तो कैसे जनरेट जनरेट कर सकते हैं इनवॉइस आप, ठीक है। तो पहले आपको ये डालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से मत डालना, या यहाँ से डालोगे क्या होगा कि जब भी दोबारा कस्टमर बुकिंग कराएगा तभी आपको यही प्रॉब्लम आएगा। तो इसे पूरा ठीक करने के लिए आपको रिलेशनशिप में चले जाना है, यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर उनका कंज्यूमर नंबर डालिए, एंटर कीजिए और रिलेशन आईडी पर क्लिक कीजिए और ऊपर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए जो भी उनका एरिया है। ये भाई मांडल के रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मांडल टाइप कर दीजिए और ओके और कंट्रोल एस कर दीजिए और अब सेल्स ऑर्डर में चले जाइए और यहाँ पर बल्क जनरेट इनवॉइस में चले जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए और यहाँ पर देखिए एजीएस सिलेक्ट आ गया, अभी डिलीवरी बॉय नहीं आया। तो ये डिलीवरी बॉय यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर ले लीजिए कोई भी आपका डिलीवरी बॉय होगा वही ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रोल एस कर दीजिए, ठीक है। अब इनवॉइस जनरेट कीजिए, हो जाएगा, देखिए आप। ओके, और इनवॉइस सर्च में चले जाइए, यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, अब यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर आपने डिलीवरी बॉय या सर्विस एरिया नहीं क्रिएट किया तो आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनवॉइस जनरेट करने के पहले आपको ये सारा रिकॉर्ड पहले फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम है, ऐसी तरह से वीडियो को पूरा देख के और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को इस वीडियो से देखने से उनका काम आसान हो जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।